नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशु। प्रदेश के सहकारिता मंत्री एवं सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिला योजना की बैठक में आज सिद्धार्थनगर पहुंचे। लोहिया कला भवन में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के सभी अधिकारियों सहित समीक्षा बैठक की। जिले के विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को काम में स्थिरता बरतने पर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। कहा, सरकार की मंशा को मूर्त रूप देने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। जनता दरबार आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित निदान ही हमारी सरकार का संकल्प है। देखिए पूरी खबर। जिले के विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को काम में स्थिरता बरतने पर उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। कहा, सरकार की मंशा को मूर्त रूप देने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। जनता दरबार आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित निदान ही हमारी सरकार का संकल्प है। वहीं दूसरी तरफ हरदोई में ओम प्रकाश राजभर दर्शाया दिए गए बयान पर कहा, भाजपा ने पहली बार उन्हें विधायक बनाया, उनका सम्मान बढ़ाया। ओम प्रकाश राजभर जी से मौसम बरसात के मेंढक की तरह टर-टर करते हैं, इस पर क्या कहा जाए। योजना आयोग की बैठक में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री व स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित सभी नेताओं ने शिरकत की। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आर के शर्मा की रिपोर्ट। बैठक में क्या निकला? आज सिद्धार्थनगर की जिला योजना की बैठक 2021 मैं सभी विकास प्रस्ताव प्रथमों से पारित की। बयालीस करोड़ से अधिक धनराशि जिला योजना में आवंटित हुआ है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 6 करोड़ ज़्यादा है। और जैसा कि सरकार का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम पारदर्शिता के साथ समय रहते विकास कार्यों को सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो सरकार की जवाबदेही है जनता के प्रति, उसको सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। फिलहाल के हम खबरों में बस इतना ही। बाकी की ताज़तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।